हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव। उसके लिए हमें लगेगी एक कढ़ाई, उसमें 2 स्पून तेल। तेल गरम होने के बाद उसमें 1 स्पून राई और करी पत्ता। हमें लगेगी सूखा धना, सौंफ, जिंजर, गार्लिक और कोरिएंडर की पेस्ट, वो हमें तेल में डालनी है। और 1 स्पून हल्दी पाउडर। हमें 2 से 3 आलू स्टीम कर लेने हैं और स्मैश करके इन फ्राइड मसालों में मिक्स कर देने हैं। और 1 स्पून नमक। थोड़ी सी धनिया और 1 स्पून लेमन जूस। और ये सब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इन आलूओं के मिक्सचर से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। लगभग 1 बड़ा चम्मच हाथों के बीच में रखकर इसे गोल गोल घुमाकर इनकी एक जैसी बॉल बना ले। और अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होते ही बॉल्स को बैटर में डिप करके तेल में छोड़ना है। एक बाजू फ्राई होने के बाद हमें बॉल्स को अच्छे से पलट लेना है। हमें बॉल्स को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब आप एक पाव लेकर इसे बीच में से काट ले और केचप या कोई भी चटनी इसमें फैला ले और इस छोटे से वड़े को इसमें अच्छे से फिट कर ले। तो ये थी मेरी वड़ा पाव की रेसिपी। मेरे इस रेसिपी को झटपट से ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।